हे दोस्तों, जुरासिक एज मूवी का नाम तो आपने सुना ही होगा और शायद वो मूवी आपने देखी भी होगी। जैसे ही हम जुरासिक वर्ड सुनते हैं, हमारे माइंड में डायनासोर्स की पिक्चर आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरती पर एक समय था जब सिर्फ डायनासोर्स होते थे, जिसे जुरासिक पीरियड कहा गया था। आज के इस वीडियो में हम उसी डायनासोर्स से भरी जुरासिक एज के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जुरासिक पीरियड मीज़ोजोइक एरा का दूसरा सेगमेंट था। ये 201.3 मिलियन से 145 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। उसके बाद ट्रायसिक पीरियड हुआ और उससे पहले क्रिटेशियस पीरियड। जुरासिक पीरियड के टाइम सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसका नाम था पेंगिया, जिसका ग्रीक मीनिंग है ऑल द अर्थ, यानी पूरी धरती। और उस वक्त डायनासोर्स उस पूरी सब कॉन्टिनेंट में रहते थे। वो सुपर कॉन्टिनेंट जब स्प्लिट हुआ तो उसका ऊपर का हिस्सा यानी नॉर्दर्न पार्ट लॉरेंशिया लैंडमास में स्प्लिट हो गया था, जो आज नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया बन गया है। और उसका नीचे का आधा हिस्सा यानी सदर्न पार्ट गोंडवाना ईस्टर्न सेगमेंट की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा था, जिसने उसके बाद अंटार्कटिका, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कुछ वेस्टर्न पोर्शन अफ्रीका और साउथ अमेरिका को बना दिया। इस ड्रिफ्टिंग और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डाइवर्सिफिकेशन आई और डायनासोर्स जैसे रेप्टाइल पूरी दुनिया में फैल गए और अलग अलग जगह रहने लगे। आगे बढ़ने से पहले आपको प्लांट लाइफ के बारे में बताता हूँ। मीज़ोजोइक एरा में लिविंग थिंग्स ने अपनी जमीन पर रहने की एबिलिटी को इवॉल्व कर लिया था, जो कि शुरुआत में जुरासिक प्लांट ब्रायोफाइट से इवॉल्व हुई थी। और ये एक धीरे ग्रो करने वाले मोसेस थे, जिसमें वस्कुलर टिश्यू नहीं होते थे और ये सेमी मॉइस्ट जगहों में रहने के हैबिचुअल होते थे, यानी एक सीमी हुई जगह पर रहते थे। फर्न्स और गिंगोस रूट्स और वस्कुलर टिश्यू से बनता था और वाटर और न्यूट्रिएंट्स को मूव करने में हेल्प करते थे। और इनके पास स्पोर रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। ये जुरासिक एरा का सबसे डोमिनेंट या सबसे ज्यादा पाए जाने वाले प्लांट्स थे। जुरासिक एरा के टाइम प्लांट ने रिप्रोडक्शन का एक नया मेथड बनाया था, जिसका नाम जिम्नोस्पर्म्स था, जिसमें प्लांट की कॉर्न बेयरिंग, जिसकी वजह से पोलन हवा के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होते थे। बायोसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ग्रेटर जेनेटिक कॉम्बिनेशन बने और जुरासिक एरा तक जिम्नोस्पर्म्स बहुत वाइड स्प्रेड हो गए। फ्लावरिंग प्लांट्स तब तक इवॉल्व नहीं हुए थे। अब जानते हैं डायनासोर्स की एज के बारे में। दोस्तों, स्टीवन स्पीलबर्ग की जुरासिक पार्क फिल्म में दिखाया गया था कि जुरासिक पीरियड के टाइम पे रेप्टाइल्स सबसे ज्यादा प्रमुख एनिमल्स थे। रेप्टाइल्स ने रिवोल्यूशनरी सपोर्ट और रिप्रोडक्शन को ओवरकम किया था, जिसकी वजह से एम्फीबियंस लिमिटेड हो गए। रेप्टाइल्स के पास स्ट्रॉन्ग स्केलेटन है, जो कि मस्कुलर सिस्टम से सपोर्टेड है। और आज तक के सबसे बड़े जानवर जुरासिक पीरियड के डायनासोर्स थे। सुरोपोड्स लिजार्ड हिप्ड डायनासोर्स होते थे। ये क्वाड्रिपेड्स हैं, जिनके पास लंबी गर्दन होती है, जिसको हैवी टेल बैलेंस करती है। कुछ जनरेशन की हाइट 100 फीट और वेट 100 टन से भी ज्यादा था, जो कि उन्हें धरती पर मिलने वाले सबसे बड़े एनिमल बनाते हैं। उनका स्कल काफी छोटा था और नॉस्ट्रिल्स बिल्कुल आइज के करीब होती थी। इतने छोटे स्कल का मतलब था छोटा ब्रेन। सोरोपोड्स के फॉसिल्स हर कॉन्टिनेंट बल्कि अंटार्कटिका में भी पाए जाते हैं। और कुछ जुरासिक एरा में वेल नोन डायनासोर्स, जिसका नाम स्टेगोसोरस था, वो 40 फीट लंबे होते थे। कार्नोसोरस को मीट खाने वाले डायनासोरस भी कहा जाता है। एलोसोरस नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा और कॉमन कार्नोसोरस था। उसके फॉसिल बेड्स में उसका स्केलेटन पाया जाता है। एलोसोरस टायरानोसोरस रेक्स के सिमिलर थे। एलोसोरस एक स्मॉल प्रीडेटर है, जिसके पास लॉन्गर जो और हैवी फोरलिम्ब थे। वो भागने के लिए अपने हिंड लिम्स पर डिपेंड होते थे। ये अभी तक क्लियर नहीं है कि वो कितनी स्पीड से दौड़ सकते थे। एलोसोरस अपने शिकार को हैवी फोरलिम्ब्स के साथ पकड़ लेता था और उन्हें अपने बड़े पंजों की हेल्प से उसके टुकड़े करके उसे निगल जाता था। अब जानते हैं अर्ली मैमल डायनासोर्स के बारे में। डायनासोर्स अर्थ के सबसे ज्यादा डोमिनेंट एनिमल्स थे, पर वो अकेले नहीं थे। अर्ली मैमल्स काफी छोटे हर्बीवोरस या इंसेक्टिवोरस थे, जो कि लार्ज रेप्टाइल्स के कंपटीशन में नहीं थे। एडिलोबेसिलस एक श्रिव जैसा एनिमल था, जिसके अलग ही प्रकार के कान हुआ करते थे और उसके जॉ बोन्स, और वो लेट ट्रायसिक से थे। मरीन लाइफ डायनासोर्स। जुरासिक की मरीन लाइफ काफी डाइवर्सिफाइड थी। प्लेसिसोर्स सबसे बड़े मरीन कार्निवोरस थे। ये कार्निवोरस मरीन रेप्टाइल्स के पास बड़ी बॉडी और लंबी गर्दन, जिसके साथ फ्लिपर्ड शेप में लिम्स होते थे। अर्ली जुरासिक एरा में इश्थियोसोरस एक फिश शेप्ड कॉमन रेप्टाइल था। कुछ फॉसिल्स स्मॉलर इंडिविजुअल के मिले हैं, जो लार्जर इंडिविजुअल के अंदर है। ये एनिमल्स में सबसे पहले इंटरनल जेस्टेशन हुई थी। सेफलोपोड एंसेस्टर्स स्क्विड और फिन थे, वो मॉडर्न शार्क्स के रिलेटिव थे। सबसे ब्यूटीफुल
फॉसिल्स लाइफ के एमिनिटीज के स्पाइरल्स शेल्स से मिले थे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि जुरासिक एज के एनिमल्स आज तक के सबसे बड़े और हैवी एनिमल्स थे। ये बहुत से डिफरेंट टाइप्स के थे जिनके अलग अलग फीचर्स थे। कुछ डायनासोर्स एक्वाटिक भी थे जो पानी के अंदर फिशेस के रूप में रहते थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। लाइक करें और शेयर करें वीडियो को और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल संजय मीना पे पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज वाले वीडियोस सबसे पहले देख सकें। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।